हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। एंड अब आपको सबको पता है कि नेक्स्ट इज रक्षाबंधन, तो मैं रक्षाबंधन की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ में रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जब गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं घर की, वो अगर अपने घर जाती हैं तो खाली हाथ नहीं जाती हैं, डेफिनेटली जाना भी नहीं चाहिए। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर कोई कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुछ ना कुछ वो लेके जाते हैं, कपड़ा, फल या कुछ भी। तो मैं भी जा रही हूँ और आज, क्योंकि मुझे तो ख़रीदना है और यहाँ आसपास में बच्चे मना कर रहे हैं जाने के लिए, तो और ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ काम सुबह से नहीं कर रही हूँ, ये व्लॉग मेरा अभी बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, तब शुरू किया है मैंने। एंड बच्चों ने सेलेक्ट किया है कि चलो मम्मी एम्बियंस मॉल चलो, क्योंकि उनको स्टारबक्स जाना है। शौर्य वांट टू गो, एक्चुअली शौर्य की बड़ी इच्छा हो रही थी कि मम्मी स्टारबक्स लेके चलो, लेके चलो। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा है तो चलो भाई, फिर मैं तो ले ही लूँगी कोई ना कोई, वहाँ पे बहुत इतने सारे आउटलेट्स हैं, ब्रांड्स हैं, सब कुछ है, तो साथ ही साथ जो है बच्चों की इच्छा भी पूरी हो जाए। तो इट्स लाइक ए मिक्स मैच प्लान बनाया है, तो मैं आज आपको लेके चलती हूँ मेरे साथ शॉपिंग के लिए। तो चलिए आज करते हैं रक्षाबंधन की शॉपिंग, और शॉपिंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने रक्षाबंधन की तैयारी के लिए क्या क्या खरीदा है, क्योंकि मैं पिछले दो तीन हफ्ते से जहाँ पे भी जो चीज़ मिलती है, जैसे राखियाँ लग जाती हैं महीने भर पहले से, तो वो लिए, और पीकू तो अपनी अब खुद ही सेलेक्ट करती है कि उसको किसको कौन सी बांधनी है। तो आज अभी मैंने बुक करी कैब, और आज कुछ नया किया वो ये कि ब्लू, जो मैंने कैब पहले भी आपको बताई थी, ब्लू करके नई ऐप मैंने देखी थी, रिचार्जेबल, जो चार्जेबल बैटरी वाली जो कैब होती है वो मैंने बुक करी, तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। और ये पीकू जो है हमेशा की तरह गाड़ी में सो गई, आफ्टर ऑल गाड़ी जैसा प्यारा झूला कहाँ मिलेगा, झूलाते झूलाते लेके जा रहा है, तो गाड़ी में तो नींद आ जाती है, मुझे भी आ जाती थी, अब नहीं आती है। तो आप में से कितने ही लोग हैं जिनको गाड़ी में बैठने से नींद आती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं भी ऐसी बच्ची रही हूँ जो गाड़ी में बैठते ही सो जाती थी, आप में से कोई है ऐसा? बहुत ज़्यादा। चलो पीकू। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है स्टार्ट हो पीकू। चलो ये पता नहीं किसके गिफ्ट हैं, यहाँ से मैं गिफ्ट ले लूँ आपका? अच्छा लास्ट में ले ले, चलो। इतना ब्यूटीफुल बना रखा है, वही है ये इंडिपेंडेंस डे थीम, बहुत अच्छा बना रखा है। जाओ जाओ देखो देखो। तो ये आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष में हर जगह पे आपको मॉल्स वगैरह में सब जगह ऐसी कुछ ना कुछ डेकोरेशन मिलेगी ट्राई कलर की। तो यह बड़ा ब्यूटीफुल सा ही फैदर्स का एक कॉम्बिनेशन करके ये सर्कल बनाया हुआ था, एंड इट वाज़ द मेन अट्रैक्शन, एंड आई रियली लाइक दिस मॉल, रीज़न बीइंग कि यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल्स है उसको पूरी तरह से ऐसे डिस्प्ले में ज़रूर लाते हैं। आपको याद होगा पिछला मैंने एक व्लॉग बनाया था, तब क्रिसमस के टाइम यानी न्यू ईयर के टाइम पे था, तो तब भी इन्होंने बहुत प्यारा सा डेकोरेशन किया हुआ था, इवन दिवाली पे भी दे डेकोरेट वेरी वेल। देखो उधर कैसी है, ओ ये कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐसे, इतना सूंघोगे ठीक ही, गंदा बच्चा। आज गिफ्ट ले लेना ठीक है ना, और भैया को बोलना भैया आपके लिए और अच्छे से गिफ्ट ले लेंगे। मीमी 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 शेस कंप्लीटेड इन ड्रामा, ड्रामे बाद क्या है, पेशेंस नहीं है। क्या ऑर्डर किया?
शिकागो पिज्जा या मैक्सिकन पिज्जा, क्या बोलते हैं? शिकागो पिज्जा। क्या कर रहे हो आप? एक आपकी हाका में। क्या मेरी हाका? अच्छा हाँ भाई, ये है पीकू के लिए। अरे पीकू तो ये वाली केचप नहीं खाएगी, चलो कोई नहीं ऐसे खा लेगी फिर। शोरे दूसरा केचप पाउच पूछा। यार ना सेल सर्विस होती है, आप जाओ वहाँ काउंटर पे जाओ या वहाँ जाओ और जाके डिस्पोजेबल लेकर। अरे वहाँ गिलास जहाँ आपको पानी पीने का टैंक है ना, उसके साइड में ही गिलास है जो लेके आओ, ऐसे साइड में लगे हुए लिखा हुआ है ग्लास से जाओ। शोरी देर शिकागो वाले छोटा नहीं हो गया पिज्जा? अब पिछली बार बड़ा था। सिंगल स्लाइस फॉर हाउ मच? 189 राइट? 189। अच्छा GST लगा दो, हम तो GST मिला के बोलेंगे ना। वाओ पीकू के लिए केचप भी आ गई। अच्छा बहुत ठंडा है, देखो वाओ। हाँ आज पीकू को ना राखी का अच्छा सा गिफ्ट दिलाना है ऐसा। क्या बिल्कुल। अच्छा तुझे छोड़ेगी नहीं वो? रक्षाबंधन का उसका अच्छा सा स्पेशल सा दिला देना। हाँ आई है कि हाँ मुझे भैया गिफ्ट दिलाएंगे, तेरी पसंद तक तो बात चल रहा हो कि तू उसको अपना ही गिफ्ट दिला दे। फाइनली दे रीच टू हैमिली, जो जहाँ पर ये इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है स्टोर एंड वेरी इनोवेटिव यू नो आइडियाज दे आर हैविंग, दे आर मेकिंग टॉयज। और यहाँ पे ये वेलकम करते हुए ना यहाँ ऐसे बबल्स बना रहे होते हैं एंड ये कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, अच्छी अच्छी बच्चों के लिए आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, तो बच्चा ऐसा लगता है कि आई एम द मोस्ट यू नो अवेटेड पर्सन हियर। तो यहाँ पर ये टॉयज ही देख रहे थे, ये पावर वाली जो बैटरी वाली जो ये टॉयज होते हैं, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है एंड छोटे से डॉगी होता है एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो शी इज़ जस्ट इन लव विद दिस प्लेस। और शौर्य को भी ये बहुत पसंद है। इवन अंडर वन रूफ द चाइल्ड इज़ गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी चॉइस बता सकता है। इवन देर आर लॉट ऑफ लर्निंग यू नो दीज टॉयज आर देयर सो इनोवेटिव। तो आई थिंक ये एक इनोवेशन बच्चों के लिए भी अच्छे हैं। हाँ बस एक चीज़ है कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर लगेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो साल में इनको एक या दो बार तो दिला सकते हैं एटलीस्ट, जो इनको स्पेशल ओकेजन्स इस कोई फेस्टिवल पे या फिर बर्थडे पर इनको मिल जाए। ये वाला ये भैया को दिखाओ, भैया बताएंगे ना ये, और कोई देख लो, और भी कोई देख लो, यही लेगा। ये तो पीकू का इंटरेस्ट देख रहा है या अपना देख रहा है? इंटरेस्ट किसका देख रहा है? ऐसी तो गाड़ी तेरे पास थी ना? हाँ क्या है ये? चलो आओ पीको, लेट्स गो। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ।
मॉल में ये कॉरिडोर्स में ना इस तरीके से ज्वेलरी के आउटलेट्स हैं एंड दे आर रियली हैविंग वेरी ब्यूटीफुल ज्वेलरी. इमिटेशन ज्वेलरी ये सारी यहाँ पे ओरिजिनल नहीं होती पर वाओ. हाँ आप पहले इधर आके देखो, आ जाओ इधर, मत कर मैं सारे वापस रखवा दूंगी. पीकू मत डाल बास्केट में पीकू. लेकिन ये आपको आती नहीं है तो क्या करोगे लेकर? अरे रुक जा, जो आपको पढ़नी आती है वो लो ना. कहाँ से निकाल लाई गाजर? आप अपने वो लो जो आपको समझ में आए. ये लो आपके लिए बुक, जो ये देखो ये आपकी. कहाँ ली? मैंने तो देखी नहीं. बैग में है. अच्छा ठीक है, कौन सी लू? ये वाली लोगे भैया के लिए? और भी देख लो, और भी बहुत सारी है. ये वाली अभी मेरा ठीक है. देखो भैया के लिए कौन सी, ये तो छोटी सी है भैया को. भैया इतने छोटे थोड़ी ना है, इसमें वो वाला साइज ही नहीं है, इसमें तो साइज ही नहीं है, तो छोटी है. वाओ दिखाओ, पर ये तो इससे छोटी है, तो आपके साइज की है. तो यहाँ पे पीकू ने मेरी काफी मदद की. गाना गा रहे हो? कपड़े सर्च करने में, परचेज करने में, ऐसी कुछ सी. वाओ एंड देन शी वेंट फॉर की अब मैंने आपकी इतनी मदद करी है, अब आप झूला झुलाओ. तो ये बड़ी सुंदर सी इलेक्ट्रिक कार्स थी एंड शी रियली एंजॉयड देम. जाओ लगा के आओ राउंड. अगेन वी वेंट बैक टू द थर्ड फ्लोर और वहाँ पर ये PVR है, PVR मूवी उसका एरिया है. तो वहाँ पर दे आर लाइक दीज कार्टून्स वर क्रिएटेड देयर, तो ये डमीज थे एंड शी जस्ट लव्स दीज. ब्लू ब्लू कलर का ये जो कार्टून होता है, शी जस्ट लव इट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कार्टून? कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि इसका नाम क्या होता है इन चारों का. और यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा आउटलेट था आइसक्रीम का, और आइसक्रीम मतलब उसके साथ में सिटिंग दी हुई है बच्चों की, छोटी छोटी चेयर्स एंड सोफाज वर देयर, शी वाज जस्ट एंजॉयिंग इट. एंड ये अट्रैक्शन होता है बच्चों के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा इनोवेटिव आइडिया है फॉर आइसक्रीम पार्लर. नाउ वी कॉल इट द आइसक्रीम पार्लर. पहले जो है सिर्फ रेहड़ी होती थी या फिर आइसक्रीम की दुकान होती थी, अब ये आइसक्रीम पार्लर्स भी खुल चुके हैं एंड दे वर वेरी वेरी नाइस. आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद द वे दे वर यू नो सर्विंग एंड ऑफरिंग द सर्विसेज. नाउ फाइनली वी आर इन स्टारबक्स. सो ये हम वहाँ पहुँचे एंड देन वी जस्ट लाइक शौर्य वाज लाइक वाओ ड्रीम कम ट्रू. वो क्या लिया आपने? कुछ लिया? आप बताओ. नहीं पीकू, कैंडीज नहीं खाओ इस टाइम. अभी वो जा रही है ट्रेन, जा रही है ट्रेन, गई. आपको बहुत गाने आते हैं भाई, बहुत गाने आते हैं पीकू को तो. माइक पकड़ा हुआ है अपने सीनों का. अच्छा अच्छा, हाँ तो कोई नहीं, अच्छी बात है भाई. अपना अपना मार्केटिंग है, अपना अपना नाम है. ये देखो ये हमारा डांसर. सडनली हमारे डांसर से डांस बाहर आ गया, जागृत हो गया. नहीं अंदाज क्यों हो पुराना. और दूसरा कौन सा गाना गा रहे थे आप? आंखों में बिजली आ. अच्छा हाँ,
आंखों में है बिजली। वी शेल ओवर कम है वो, कम वी शेल ओवर कम वी शेल ओवर कम वन डे। सो फाइनली वी गॉट आवर ऑर्डर। हु इज दिस? माय नेम मस्ट बी रिटन देयर ना। हाँ, वेयर इज योर्स? दिस इज पीको ऐश्वर्या। इट्स सेम एक्चुअली, योर नेम इज रिटन देयर ना। टेन टू टेन गुड़ उड़ने शुरू है, दूसरी ले आओ। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, और ये मैं कल का ही ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल हो गई थी, बहुत रात हो गई थी, तो मैंने शॉपिंग अपनी नहीं शो करी, डिस्प्ले ही नहीं करी, मैंने मतलब दिखाई ही नहीं, तो मैंने आज जो है उसी ब्लॉग को कंटिन्यू किया है और मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी रक्षाबंधन की शॉपिंग, यानी मैंने रक्षाबंधन के क्या क्या तैयारी करी है। तो कल जब मैं गई थी एम्बियंस मॉल में, तो मैंने वहां से रिलायंस ट्रेंड्स और पेंटालून जो है दोनों से ही शॉपिंग करी, क्योंकि कभी आपको कहीं चीज अच्छी नहीं लगती, कोई पसंद आती है और कोई कहीं पे नहीं भी आती, तो आई जस्ट हैड कि चलो सब कुछ देखा जाए। तो मैं कोई, मेरा कोई फिक्स जगह नहीं रहता है कि मैं वहीं जाकर शॉपिंग करूंगी, अगर कोई भी अच्छी जगह और अच्छे ब्रांड्स और अच्छी क्लोथिंग मिल जाए तो दैट्स गुड। सो पहले के टाइम में होता था, जब मॉल्स नहीं होते थे तो आपकी जो है लोकल मार्केट होती थी और वहां बड़ी फिक्स शॉप्स होती थी और वो जेन्युइन भी होती थी। लेकिन अभी जो है, नाउ यू आर सो यू नो ऑब्सेस्ड, और यू कैन से कि वी आर सो हैविंग ट्रस्ट विद द डिफरेंट ब्रांड्स, कि हम उनके कपड़े लेना पसंद करते हैं, तो उनमें से मैं भी हूँ। तो ये जो है, एक तो मैं कल लेके आई ये ब्लू वाली टी शर्ट, दिस वन बैटमैन वाली टी शर्ट, और ये एक लोवर है, ये मैं लेके आई थी मेरे भतीजे के लिए, तो वो गोरा चिट्टा सा है और उसके ऊपर ये बड़े पपते हैं और उसको बहुत पसंद है। अगर आप देखो तो इस एज के बच्चों को एवेंजर्स, बैटमैन, सुपरमैन, हीरोज, ये एंड डोंट फॉरगेट बजरंग बली, तो ये जो कैरेक्टर हैं ये बड़े पसंद आते हैं, तो इनके प्रिंट्स दे ऑलवेज लव एंड कलरफुल। आजकल बच्चे बहुत कलरफुल कपड़े पसंद करते हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, और हाउ कैन आई फॉरगेट, ये पीकू के लिए जो है एक आई ये येलो कलर की फ्रॉक, ये भी पेंटालून्स की है पर ये ऑनलाइन मंगवाई है मैंने, और एक ये वाला, लेट मी जस्ट ओपन इट, एक और ऑनलाइन ही मंगवाए मैंने पीकू के, क्योंकि पीकू के साथ ये रहता है कि उसके ड्रेसेस के जो साइजेस हैं वो बार बार चेंज करवाने पड़ते हैं, और प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ट्रायल में जाते हैं ना बाहर, तो वो कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं रहता है, तो गर्ल्स के मामले में थोड़ा सा ये अनइजी हो जाता है, उनमें पेशेंस नहीं होते छोटे बच्चों में, गर्ल्स हो या बॉयज हो कोई भी। तो एक दूसरी ड्रेस ये वाली मंगवाई मैंने, इसको मैं आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर इधर आई विल डिस्प्ले ऑल द वीडियोज, मैंने उसको ये ट्राई भी करवाए थे और उसके बाद मैंने ये यहाँ पे डिस्प्ले में डाल रही हूँ, क्योंकि दो बार इसका एक्सचेंज ही किए जा रही हूँ मैं, क्योंकि साइज ठीक से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हर कंपनी का ना साइज का बड़ा इशू रहता है, एक कंपनी साइज अलग ऑफर कर रही होती है तो दूसरी के अलग मिलते हैं। एक ये वाला, ये वाली ड्रेस है, ये बहुत ही ब्यूटिफुल सी एक ड्रेस है, ये रही ब्लू कलर की फ्रॉक, और एक और फ्रॉक है ये वाली, दिस वन, यस दिस वन, बहुत प्रिटी फ्रॉक्स हैं, और यू कैन सी दिस वीडियो, ये यहाँ पे जो चल रहा है बॉक्स में, इस वीडियो में आप देखेंगे वो सबके ट्राई किए उसने ड्रेसेस, एंड शी इज लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल, बच्चे क्यूट ही लगते हैं, ठीक है, तो और वैसे भी माँ की नजरें हैं, माँ की नजरों से पूछो तो उसका लाल सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे गुणकारी,
दैट्स ट्रू. ठीक है, माँ अपने बच्चे की चाहे किसी के सामने बुराई कर ले, लेकिन वो सबसे प्यारा उसको वही लगता है. तो यू आर अ मदर एंड इफ यू आर एग्री यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या मैं सही बोल रही हूँ. अपने बच्चे की हम कमियां भी माएं जो है ना कई बार छिपा जाते हैं. फादर्स आर लिटिल डिफरेंट बट मदर्स आर हैविंग दिस नेचर. तो इट्स नॉट बैड, इट्स आर फीचर. माएं होती ही ऐसी हैं, ममता से भरी, करुणा से भरी. तो मैं भी वैसी ही हूँ, बिल्कुल प्यारी माँ. ऑल इन ऑल इट्स गुड. तो बच्चों को ये कलरफुल काफी अच्छे लगते हैं ड्रेसेस, और पीकू का अपना टेस्ट है, वो उसको वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है. और वो सिर्फ इतना कहेगी थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा. शी इज वेरी प्रिटी इन दैट. अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे लिए क्या लिया है मैंने. मेरा सूट तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में रक्षाबंधन वाले दिन ही दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है. लेकिन उसके साथ में मुझे कुछ और भी गिफ्ट मिला है. ये मुझे दिया है इन्होंने. अब थोड़ी सी मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, मैं इनका नाम बहुत कम लेती हूँ, पता नहीं बस स्टार्टिंग से ऐसी आदत है, मैं इनका नाम नहीं लेती ज़्यादा. पर ऐसा नहीं है कि लेती ही नहीं हूँ, पर आदत नहीं है. तो ये मुझे दिलाया है इन्होंने. सी, ये मैं कल पहनूंगी रक्षाबंधन वाले दिन. तो पहले मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रही हूँ अभी. इट्स लाइक इट्स कम्प्लीट चोकर सेट है. इसके साथ में इयर रिंग्स भी आए हैं. इसके साथ में इयर रिंग्स भी है. तो मैं हमेशा लेना भी चाहती थी. फाइनली आई गॉट दिस वन. और ये मुझे कॉस्ट पड़ा है, इसका मैं बता देती हूँ, देयर इज नो इशू. ये मेरी लोकल मार्केट से, यहीं गुड़गांव से ही है, पास में मार्केट, उन्होंने मुझे दिखाई तो उन वो लेके गए और मुझे दिला के लाए हैं. मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वाला सेट कैसा है, कैसा लग रहा है मेरे ऊपर. ऑब्वियसली अच्छा लग रहा होगा, आई लव इट. तो ये कलर भी मुझे बहुत पसंद है, और ज्यादातर हमारी ड्रेसेस में ये कलर बहुत कॉमन होता है, गोल्डन येलो एंड दिस पिंक कलर, मर्जेंटा कलर वी कॉल इट आउट. तो ये मुझे पड़ा है, दिस कॉस्ट मी 1500 रुपीज. हो सकता है आपके यहाँ पे अलग कॉस्ट का हो, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया. तो मेरे यहाँ पे इतने का ही मिला. इफ यू गो इन चांदनी चौक तो ये शायद और सस्ता मिल जाएगा. लेकिन गिफ्ट इज गिफ्ट एंड वी ऑल लव गिफ्ट, लेडीज लव गिफ्ट्स. तो जितने मिल जाए उतने कम है. तो ये है सेट. इसका किस सूट के साथ में पहनूंगी या क्या अटायर होगा वो तो कल के व्लॉग में ही आएगा, नेक्स्ट व्लॉग में ही आएगा. तो आज के व्लॉग में मैं सिर्फ ये स्टफ दिखा रही हूँ. अब मैं दिखाती हूँ मेरा राखी का कलेक्शन जो मैंने पिछले महीने भर से इकट्ठा किया है. मतलब मुझे जहाँ पे जो राखी सुंदर सी पसंद आ जाती है वो मैं ले लेती हूँ. और क्योंकि कजन्स हैं और खुद बच्चे भी हैं, अब हम बड़े हो गए लेकिन बच्चे भी बड़े हो रहे, वो भी मनाते हैं, तो पीको भी बांधती हैं, और भी कहीं पे जैसे कि ना सिर्फ भाई को बल्कि भाभी को भी बांधते हैं, और बेटियाँ अपने पापा को भी बांधती हैं, मम्मी को भी बांधती हैं. तो एक तरह का ये मिला जुला रहता है. तो रक्षाबंधन पे जो है आपके पास राखियों की कभी कमी नहीं रहनी चाहिए. इवन भगवान को भी हम जो है वो एक जो है राखी बांधते हैं. तो ये जेस्चर है कि वो रक्षा. अच्छा, मुझे कल क्या बोला पिकू ने कि मैं क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भैया को बांधूं. तो ऑब्वियसली देयर इज नो प्रॉब्लम, भाई बहन. लेकिन ये एक जेस्चर है, जो जैसा बनाया गया है जेस्चर उसको वैसे फॉलो करिए. इसमें कोई ये नहीं होता है कि बहन भाई की रक्षा नहीं कर सकती. बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे वुमेन पावर इज रिक्वायर्ड, मतलब शक्ति, नारी शक्ति की आवश्यकता होती है. तो नारी शक्ति जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आप कहेंगे कि लड़कियां जो है वो अपने भाइयों की भी रक्षा करती हैं. पर ठीक है, हम जैसे एक किसी त्योहार को मनाने का ट्रेडिशन होता है उसका स्वरूप बदलने की आवश्यकता नहीं है. आप बांध सकते हैं, आप फ्रेंडशिप बैंड भी तो बांधते हैं एक दूसरे को, फ्रेंडशिप बैंड देते हैं ना. तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऐसा ही होगा. तो रक्षाबंधन सबके लिए है, जिसमें दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं. और सिंपली भाई यानी कि पुरुष को जितना अधिक आप रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, ध्यान रखिए आपके समाज में उतना ही अच्छा जो है उसका प्रभाव पड़ेगा. क्योंकि जब हम कहते हैं अपनी बेटियों को समझाओ, तो असल में मतलब ये होता है कि अपने बेटों को भी बराबरी से समझाओ. आप मेरा मतलब आई थिंक समझ गए हैं.
यू वेल अंडरस्टूड कि हमारी सोसाइटी सेफ, साउंड, अच्छी और बहुत अच्छी तभी बनती है जब लड़के लड़कियां, बेटी बेटे सब जो हैं वो अच्छे संस्कार पाते हैं और अच्छी राह पे चलते हैं। चलिए अब मैं आपको अपना राखी का कलेक्शन दिखाती हूँ। मैं अपनी राखी का कलेक्शन दिखाऊं उससे पहले मैं कुछ और चीज भी दिखाती हूँ जो पीकू के लिए। हेयर बैंड्स का मैंने पूरा एक सेट जो है परचेज किया, सेट इन द सेंस मैंने पिक किए अलग अलग डिजाइन के। ये तो मैंने अपने लिए किया था, ये वाला हेयर बैंड। तो ये मुझे बताइएगा ये कितना अच्छा है, कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा एक ये है, दिस इज प्रिंसेस, एक छोटा सा क्राउन बना हुआ है। ये है, ये बड़ा फेमस प्रिंट रहा है एक टाइम में तो, पर ये अच्छा लगता है वेस्टर्न आउटफिट के साथ, बहुत सुंदर जाता है, इवन आई कैन ऑल्सो वियर इट। तो डेफिनेटली हम हेयर बैंड शेयर कर लेते हैं, मैं और पिकू आपस में शेयर कर लेते हैं। और एक ये है, दिस इज लाइक बीड्स है यहाँ पर, ये वाला, दिस इज सो क्यूट। एक और है ये वाला, तो यहाँ पे ये फ्लावर है, दिस वन इज देयर, एंड फ्यू मोर आर देयर, जो अभी वो निकाल चुकी है मेरी अलमीरा से और शी हैज जस्ट टेकन इट की प्री राखी गिफ्ट उसने मुझसे ले लिया था। तो इट्स लाइक लूटने का सिलसिला, एक हफ्ता पहले ही शुरू हो गया था कि रक्षाबंधन आ रहा है तो आप भी दो, खर्ची दो, गिफ्ट दो, सब कुछ दो, दे दो, मतलब सब कुछ लुटा दो, दे दो सब कुछ, मेरे नाम कर दो। कुछ ये हेयर बैंड्स हैं, दीज आर रबर बैंड्स, इन पे क्यूट क्यूट ये लगे हुए हैं, गर्ल्स रियली लव इट। तो आप मुझे बताना ये जो हेयर बैंड्स का कलेक्शन है इनमें से अगर आपको कोई सबसे अच्छा लगा है तो। These are something which I also personally like, और यही एज है जब बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं इन सब चीज़ों में, एंड आई लव इट। तो ये मैं कई बार तो मैं इनको कस्टमाइज भी करवा लेती हूँ, इन पे नेम्स वगैरह लिख देती हूँ, इवन मुझे भी पता है वो सिलाई वगैरह मुझे आती है तो मैं भी कई बार वो थ्रेड से बना देती हूँ इनके नाम वगैरह, ये छोटे छोटे स्टिकर्स, आई कैन मेक इट विद द थ्रेड, या वूल से कारीगरी करना वो आई नो, तो वो मैं कर देती हूँ। तो दिस इज टेरा, ये है पीकू का प्री राखी गिफ्ट, ओके। एंड एक मैं अपने लिए ये भी लिख के आई थी, आई लव दीज, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, दिस इज समथिंग लाइक, अभी ये ट्रेंडिंग भी है, इसके सूट भी आ रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर, मेरे पास भी है ऐसा, मैं सिलवाऊंगी। इसके अलावा अब मैं दिखाती हूँ मेरी राखी, पीकू जो राखी लेकर आई उनमें सबसे ज्यादा जो फेमस मुझे लगी वो ये आजकल, आई डोंट नो हाउ, समहाउ दे आर फीलिंग कि गर्ल्स को राखी बंधेगी इसलिए वो यूनिकॉर्न की राखी कौन लेता है, पर दिस टाइम आई हैव सीन कि ये राखी बहुत चल रही है। इसके अलावा दी एवेंजर्स, दिस इज स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, शी इज जस्ट हैविंग दीज, क्योंकि छोटे भाई भाई जो होते हैं उनको ही ना ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर ये कि लाइट वाली राखी आती है, मुझे याद है जब शौर्य छोटा था तो उसके टाइम पर, जब शौर्य मेरे ख्याल से 4-5 साल का था, तो ये छोटा भीम की बहुत आती थी। अभी शिनचैन ही शिनचैन और डोरेमोन चल रहा है, लास्ट ईयर डोरेमोन चल रहा था, इस साल में जो है ये शिनचैन चल रहा है। तो आई लव शिनचैन कार्टून, आप में से किस किस को शिनचैन पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मैं इतना स्पेशल भी नहीं हूँ, आई लव द चाइल्ड, इतना नोटी है वो, इतना तो नोटी होना ही चाहिए, मतलब मुझे बहुत पसंद है ऐसा नोटी बच्चा, बदतमीज नहीं होना चाहिए, नोटी होना चाहिए चाहे कितना भी हो, कोई बात नहीं। और अब मैं दिखाती हूँ मेरी फैंसी राखी, एक ये है, दिस वन सो ब्यूटीफुल। इसके अलावा ये ब्रो, ओ ये पीकू ने पसंद करी, अब ये दो सेम ली है उसने, क्योंकि वो दोनों शौर्य को सेम सेम बांधना चाहती है, तो दोनों भाइयों के लिए सेम। उसके बाद जो मुझे बहुत पसंद है राखी, मुझे सिंपल राखी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो ये सिंपल राखी है, चंदन वाली जो होती है, चंदन की खुशबू होती है, और बहुत सारी अलग अलग और भी वुड की आती हैं, तो रुद्राक्ष की भी आती हैं, तो दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल, दे आर लुकिंग वेरी नाइस। अलग अलग रेंज है सब राखी का, और आपको मार्केट में हर रेंज की राखी मिल जाएगी, सिल्वर की मिल जाएगी, इवन गोल्ड की भी मिल जाएगी, तो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है। पिछले कुछ सालों में तो ना वो बड़ा इनोवेशन हो गया है राखी को लेके। और एक और है ये वाली, ये मणके वाली है, तो ये मैं और कुछ राखी और हैं वो अभी मेरे ख्याल से दूसरे ड्रॉर में है, वो मुझे अभी इसमें मिली नहीं, लेकिन दिस इज माई राखी कलेक्शन विच आई एम हैविंग एंड दिस इज द कलेक्शन। तो
घर में छोटे बच्चे काफी होते हैं और आपस में उनको ये त्योहार मनाना भी चाहिए विद फुल एक्साइटमेंट। तो आपने भी राखियां खरीद ली होंगी और आप सबको जो है राखी का त्योहार बहुत ही मंगलमय रहे, बहुत ही इच्छाएं पूरी हो और भाई बहन में आपस में ऐसे ही प्यार हमेशा बना रहे। और चाहे आपका खून का रिश्ता हो या आपका धर्म से भाई या बहन का रिश्ता हो, लेकिन ये इतना पवित्र है कि ये हमेशा इसकी पवित्रता, इसकी यू नो प्योरिटी को बनाए रखिए। क्योंकि भगवान जब मतलब किसी किसी को ये इतना लकी बनाता है कि उसके पास भाई या बहन आपस में इतनी बॉन्डिंग वाले होते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लोग हैं जो शायद राखी के लिए उनके हाथ तरसते हैं। तो आपके अगर भाई बहन हैं तो उन्हें इस त्योहार पे और आगे जो है वो भाई दूज पे तिलक करके उनके साथ में ये रिश्ता, ये प्यारा रिश्ता जो है इसको निभाइए और इसको मनाइए। क्योंकि जो आप मनाएंगे आपके बच्चे भी वही मनाएंगे, आपके कजन्स हैं, आपके रियल ब्रदर्स हैं, सिबलिंग्स हैं और घर में मामा के, चाचा के, काका के, ताऊ के, इतने सारे जो कजन सिस्टर्स और ब्रदर्स का जो एक ग्रुप होता है ना, ये अपने आप में बहुत प्रीशियस होता है। और ये भाई बहनों का जो ग्रुप है, ये यकीन मानिए जब आप बड़े हो जाते हैं ना और जब आप लोग आपस में जुड़ते हैं तो आपको सच में ऐसा फील होता है कि कितनी एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी, मतलब ये बहुत ही एक फॉर्चुनेट चीज होती है। तो इसको हमेशा मनाइए और अपने त्योहार को बहुत अच्छे से मनाइए। और मैं अपना लुक जो है राखी का मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी, क्योंकि वरना ये व्लॉग ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है और मैं इसको लंबा नहीं करूंगी क्योंकि इसके बाद मैं जाऊंगी घर पे। तो आई विल सी यू देयर, मैं तभी अपना व्लॉग बनाऊंगी एंड आपको अपडेट करके रखूंगी। तो तब तक जो है एंजॉय एंड डू प्रिपरेशन एंड आई होप ऑल द बेस्ट and very well, very good wishes from my side for your festival, for Raksha Bandhan. तो मिलते हैं अगले vlog में, but don't forget to subscribe, share and give a like to this channel and I see you in next vlog. Bye bye.